हाय फ्रेंड्स। तो मैं यार क्या कहूँ, आज मुझे लगता है कि पहले वाली वीडियो में मुझसे थोड़ी एक लास्ट में जाके थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, बाद में मैंने सुधार ली। पर मुझे यार लगा कि जब मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ तो मुझे निभानी भी पड़ेगी, इसलिए मैं आज एक और वीडियो लेकर आ गया। मैं सोचा यार उसकी भरपाई इसमें पूरी कर दूँ, ठीक है। तो ये बोनस वीडियो है आज की, इसमें मैं एक और क्वेश्चन ऑफ द डे लेकर आया हूँ। तो आई होप कि आपको पसंद आएगा। आपको जैसा फिगर दिख रहा है, इसमें हमें सेडेड एरिया का रीजन निकालना है, ठीक है, कि सेडेड एरिया कितना है। और जो इसकी साइड साइड जो दे रखी है, वो हमें दे रखी है कि जो ये लेंथ है ये 4 सेंटीमीटर है, सॉरी 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर दे रखी है। और स्क्वायर है ABCD, ठीक है। तो ये है, और हमें इसमें सेडेड एरिया का रीजन निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं, और आई होप कि आपको जो गलती मुझसे हुई है वो आप थोड़ा सा भूल जाएंगे। वैसे इतनी कोई बड़ी गलती थी नहीं, फिर भी जिम्मेदारी तो जिम्मेदारी होती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि इसमें कुछ अलग अलग रीज़न बने हुए हैं, कुछ खाली रीज़न है, कुछ भरे हुए रीज़न है। तो अगर आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन दिखता है, तो सबसे पहले तो आप ये करिए कि उसको डिवाइड कर लीजिए अलग अलग में। जैसे मान लीजिए जो सेडेड रीजन है, हमने उसको मान लिया एक्स, ठीक है, और जो अनसेडेड रीजन है हमने उसको मान लिया वाई। तो कितने सेडेड रीजन और कितने अनसेडेड रीजन, सब पे एक्स वाई लिख लीजिए, ठीक है। तो 4 सेडेड रीजन है और 4 ही अनसेडेड रीजन है, ओके, ये देख लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, एरिया ऑफ द स्क्वायर निकालना है। तो एरिया कितना होगा स्क्वायर का, 8 स्क्वायर मतलब 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके, ये एरिया है स्क्वायर का। अब अगर हम इसी एरिया को हम एक्स और वाई के टर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे, ठीक है, कितने एक्स और कितने वाई हैं उस हिसाब से हम इसको कैसे लिखेंगे, ठीक है। 4x और 4 ही वाई हैं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 4x + y = 64। ये सेम है, कोई अंतर नहीं है, एक्स प्लस वाई है, दोनों एरिया ही तो है, हमने इसको एरिया ही माना है। तो ठीक है, 4x है 4 + y, x और y साइड नहीं है, एरिया ही है, ठीक है, सेडेड रीजन का। तो हमने 4x + 4y * 4 कर दिया, तो 64 के इक्वल हो गया। अब x + y की वैल्यू कितनी आएगी, 64/4, ओके, ठीक है। कितनी बार जाएगा ये, 4 1 4 गया, 2 2 6, ये 6 बार जाएगा, तो ये आ गया 16। तो x + y की वैल्यू कितनी आ गई, 16, ठीक है। अब ये देखिए आप, जब x + y की वैल्यू 16 आई है तो आगे हम क्या करेंगे, तो सॉरी, तो अब ये आ गया x + y 16, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सेडेड रीजन निकालना है ना, तो सिर्फ एक सेमी सर्कल ले लीजिए ये, ठीक है, डी से सी का ये सेमी सर्कल ले लिया हमने, कौन सा सेमी सर्कल, ये वाला, ठीक है। तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे, इसकी रेडियस कितनी होगी, 4। हमें इस पूरे का एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, पूरे एरिया का सेमी सर्कल निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, 1/2, ठीक है, और हमारा 4 का स्क्वायर * π, पाई आर स्क्वायर होता है, तो ये आ गया, ठीक है। अब इसमें कितने एक्स और कितने वाई है, ठीक है, ये देखिए कितने एक्स और कितने वाई है, 2x और 1y है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x + y + x = 1/2, 4 स्क्वायर * π। पर अब आपको ध्यान होगा कि आपने पहले x + y की वैल्यू निकाल चुके हैं, कितनी निकाली है, 16, तो मतलब ये कितना हो गया, 16, तो क्या हो जाएगा, 16 + x = 1/2 4 स्क्वायर * π। तो अब ये आ गया, ऊपर कर लेते हैं थोड़ा इसको, और फिगर दिखना चाहिए, ठीक है, चलिए ये आ गया। अब इसको कैसे लिखेंगे हम, अब इसको लिखेंगे 1/2 * 4 स्क्वायर * π -16, ये यहाँ चला गया था, -16 आ गया। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए,
ठीक है, तो ये इंटू टू हो जाएगा, तो ये कितना हो गया, ये हो गया एक्स इजकल टू 8π-16। अब इसको सॉल्व करें, आप कैसे सॉल्व करेंगे, कॉमन ले लीजिए 8, ले लिया पाई माइनस टू। अब ये तो एक वैल्यू आ गई एक्स की, ठीक है, कितनी है एक्स की वैल्यू आई है, वन सेडेड रीजन है, इसमें कितने सेडेड रीजन है, चार, एक की वैल्यू 8π-2 आई है, तो चार की कितनी आएगी, तो टोटल की आएगी 4 × 8π-2, कितने हुए 32π-2। तो ये आपका आंसर, ठीक है। तो आपने सबसे पहले क्या किया कि एक स्क्वायर था, स्क्वायर के ऊपर कुछ अंदर सेडेड रीजन था, सबसे पहले हमने उसे एक एक्स और वाई की वैल्यू में मान लिया कि ये एरिया इसका वाई है और इसका एक्स है, ठीक है, इसका एक्स है और इसका वाई है। उसके बाद हमने टोटल एरिया निकाला स्क्वायर का, ठीक, निकाल दिया, और उस एरिया को हमने एक्स और वाई की वैल्यू में तरह से पुट कर लिया, ये रहा। उसके बाद एक एक्स प्लस वाई की वैल्यू हमारी आ गई, कितनी आई 16, ठीक है। फिर वहां से हमने अब एक सेमी सर्कल लिया, सेमी सर्कल ले लिया, तो सेमी सर्कल में फिर हमने एरिया का पुट कर दिया 1/2πr², ठीक है। फिर सेमी सर्कल को भी हमने क्या किया, एक्स प्लस वाई की फॉर्म में लिख लिया, तो कितना आ गया एक्स प्लस वाई प्लस एक्स, तो और एक्स प्लस वाई की वैल्यू में 16 दे ही रखी थी, ठीक है, यहाँ पे दे रखी थी। उसके बाद हमने क्या किया, वहाँ से वैल्यू हमने उठा के 16 की वैल्यू यहाँ लिया है माइनस, फिर तो सीधी सीधी कैलकुलेशन है, हमने कुछ नहीं किया, फिर सीधे कॉमन लेंगे 8 को, नॉर्मली मैथमेटिक्स वाली मैथ लगाई है, तो 8π-2 आ गया एक एक्स की वैल्यू, एक सेडेड रीजन मतलब एक एक्स, और ऐसे चार रीजन है, तो इंटू 4 कर देंगे, हमारा टोटल एरिया निकल आएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, बस हमारे दिमाग में उसका मेथड क्लिक हो जाना चाहिए, अगर मेथड क्लिक हो गया तो हमारा क्वेश्चन चुटकी में हो जाएगा, अगर मेथड क्लिक नहीं हो पाया तो हम नहीं कर पाएंगे। तो बात है प्रैक्टिस और मेथड्स के क्लिक करने की, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और ये आज मेरी दो वीडियोज थी, क्योंकि कुछ लोगों ने कहा था कि यार क्वेश्चन ऑफ द डे और MCQ वाली वीडियो बनाया करो, मैं ठीक है चलो एक या दो और बना देते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब तो कर दो यार, ठीक है। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।